हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेट साड़ी ड्रेपिंग किस तरह से करनी है। देखिए, जो साड़ी है काफ़ी हैवी है और किस तरह से आप इसे ड्रेपिंग करें, ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस साइड फॉल लगी हुई होती है उस साइड से हमने स्टार्ट करना है। तो हमारा जो पेटीकोट है उसके अंदर हमने एक साइड जहाँ से हमने स्टार्ट करनी है उस साइड ज़्यादा कोई वर्क नहीं होता है, ठीक है। तो एक राउंड लेना है अपने पेटीकोट के अंदर फोल्ड करते हुए। तो हमने क्या करना है, एक पेटीकोट के अंदर जो एक राउंड जहाँ से हमने स्टार्ट की है वहाँ तक हमने एक राउंड लिया है। यहाँ तक क्या किया है, हमने एक राउंड लिया है और उसे जो साड़ी है उसे ओपन करते हुए हम पेटीकोट के अंदर जो है इसे डाल रहे हैं। याद रखें कि आपका पेटीकोट टाइट होना चाहिए, अदरवाइज जो साड़ी है वो लूज़ होने के चांसेस बने रहते हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। तो अब देखिए, ये जो हमने एक जो फोल्ड लिया है उसके बाद हम दूसरा पल्लू लेंगे, जो हमारा हैवी साइड वाला पल्लू है उसको लेंगे और इसको हम जस्ट रफली फोल्ड कर रहे हैं। और रफली फोल्ड करने के बाद इसे हम अपने बैक से फ्रंट में लाएंगे और जितना पल्लू हमें छोड़ना है बैक में उतना हम छोड़ देंगे और अपने शोल्डर पर रखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हमने भी रफली छोड़ा है, अभी हमने इसको प्रॉपरली टाई अप नहीं किया है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा रेस्ट ऑफ साड़ी है, पीछे से जो हमारा पल्लू बचा हुआ है उसको हमने पीछे से लेके आना है। किस तरह से, जैसे कि आप देखिए, जो रेस्ट ऑफ साड़ी है वो हम फ्रंट की साइड में ला रहे हैं, फ्रंट की साइड पे हम इसे कलेक्ट कर रहे हैं और ये जो हमारा पल्लू है फ्रंट से हम उसे बैक से लाते हुए अपने फ्रंट में अटैच करना है। इस तरह से बैक से लाना है और अपने फ्रंट में लाकर इसे यहाँ पर अटैच करना है। लेकिन अटैच करते वक्त ध्यान रखें, आपके यहाँ पे दो तीन प्लेट्स डालेंगे और आपको यहाँ पे प्रॉपरली प्लेट्स डालने हैं। देखिए, कुछ साड़ी ऐसी होती हैं जिसको हम ऑलरेडी स्टिच करवा लेते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिसको हम स्टिच नहीं करवाते। जैसे कि ये है कि स्टिच नहीं है, और स्टिच नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें तो हल्के से प्लेट्स डाल लें और दो तीन या चार जितनी आप प्लेट्स डालना चाहते हैं, चार से पांच प्लेट्स डाल सकते हैं इजीली। और प्लेट्स डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर पिन से ही अटैच कर देना है। जब भी आप साड़ी लगाएं तो हमेशा ध्यान रखें उसको हल्का सा टाइट करके रखें, ताकि इसकी पर्टिकुलरली लुक आए, इस वजह से इसको टाइट करना ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको पिन की हेल्प से अटैच कर लेते हैं, अपने सेफ्टी पिन की हेल्प से। अटैच करने के बाद जितना हमारा रेस्ट ऑफ साड़ी बची हुई है इसको हम अपनी हैंड की हेल्प पे इस पर प्लेट्स डालते हैं। तो दो फिंगर्स हमने आगे ली, दो फिंगर्स हमने पीछे से हमने उसे पकड़ा हुआ है, अंगूठे और जो लास्ट फिंगर होती है उसकी हेल्प से हमने पीछे से पकड़ा हुआ है, पहले दो फिंगर की हेल्प से हमने उसे आगे से पकड़ा है और हम इसमें प्लेट्स डाल लेते हैं। तो वन बाय वन आप इसमें प्लेट्स डालें और जितना भी आपका एक्स्ट्रा ये जो कपड़ा बचा हुआ है साड़ी का, जितने भी एक्स्ट्रा साड़ी बची हुई है उस सारे के आपने प्लेट्स डाल लेनी है। प्रॉपरली आपने इसमें प्लेटिंग करनी है, प्लेटिंग बिल्कुल ध्यान से करें, प्रॉपर करें। अगर आपको नीचे से साड़ी हैवी लगती है तो उसे किसी चीज़ के ऊपर रख ले ताकि प्लेट्स डालने में आसानी हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे प्लेट्स डाल ली हैं और इसको अब मैं कर लेती हूँ सेट। जो आपने प्लेट्स डाली हैं उसे सेट ज़रूर करें और सेट करने के बाद अपने बेली के पास आपने उसे अंदर डाल लेना है और अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्लेट्स डल गई है, अब हम इन्हें अपनी बेली के पास फ्रंट वाले में डायरेक्शन में अपनी बेली के पास इसे अंदर की साइड डाल लेंगे। अंदर डालने के बाद आपने दो पिंस लगानी है, एक प्लेट्स पे लगानी है और एक अपने पेटीकोट के साथ अटैच करके लगानी है। सबसे पहले हम प्लेट्स को अटैच कर लेते हैं, और प्लेट्स को अटैच हमने कर लिया है और इसे सेट कर लिया है, पेटीकोट हम बाद में पिनअप करेंगे। और अब देखिए हमारा ये जो पल्लू है, अब ये हमारी जो ड्रेपिंग है ये हो चुकी है, अब हमारे पल्लू की टर्न है।
तो जब हम पल्लू लगाते हैं तो आप चाहें जिस तरह भी आप ओपन रखना चाहें आप ओपन रख सकते हैं, इसको थोड़ा टाइटली लेके आएं और आप इसको प्रॉपर प्लेट्स को सेट करते हुए और अपने हैंड पे अगर अपने आर्म पे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है। पल्लू को इस तरह से रखने के लिए भी आपको अब यहाँ पे सेफ्टी पिन्स लगाने की ज़रूरत है, तो ऊपर और नीचे दोनों साइड पे एक एक पिन लगाएं अपने शोल्डर के पास और अपने टमी के पास, जो ब्लाउज के नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे दो पिन्स ज़रूर लगाएं, यानी यहाँ पे भी लगानी है, यहाँ पे भी दो पिन्स लगानी है और आपकी ये जो साड़ी है वो रेडी है। आप इसको इस तरह से वियर कर सकते हैं। सेकेंड टाइप, अगर आप पल्लू सेट करना चाहते हैं उसमें प्लेट्स डाल के सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए उसको करने के लिए अगेन जैसे आपने साड़ी में प्लेट्स डाली थी ऐसे ही आपको अपने पल्लू में भी प्लेट्स डालनी है। चार फिंगर की हेल्प से आपने इसमें प्लेट्स डालनी है, जैसे कि मैं देखिए मैं डाल रही हूँ, और इन प्लेट्स को प्रॉपरली प्लेटिंग करके यहाँ पे आप इसे अटैच कर देंगे किसी चीज़ की हेल्प से या फिर किसी क्लिप की हेल्प से, जैसे भी आप इसे अटैच करना चाहते हैं आप उसे अटैच कर दें। तो देखिए प्लेट्स डालने के बाद हमने उसको नीचे से जो हमने प्लेट्स डाली हैं उसको हमने सेट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे रफली जो है अटैच कर दिया है और जो हमने प्लेट्स डाली है उसको हम जितना भी पल्लू हमारा है उस सब को प्लेट्स की अकॉर्डिंगली सेट करते हुए यूज़ करेंगे और लगाएंगे। अपने पल्लू को प्रॉपरली सेट करें, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ से प्लेट्स डाली और बैक से जितना भी एक्स्ट्रा साड़ी है उसको फ्रंट में लाते हुए यहाँ पे भी मैं इसमें प्लेट्स को सेट कर लेती हूँ, और प्लेट्स को सेट करते करके जितना पल्लू हम रख रहे हैं जितना भी एक्स्ट्रा था वो सारा हमारा पल्लू ही था, और उसको हम बैक में ले जाते हैं। और बैक में ले जाकर आप इसे अच्छे से टाइटली इसको होल्ड करें और अपने शोल्डर के पास इसे मैनेज करते हुए टाई करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसे होल्ड किया और यहाँ पर आपने सेफ्टी पिन की हेल्प से यूज़ करके इसको टाई कर देना है। ध्यान रखें कि बड़ी सेफ्टी पिन का ही यूज़ करें, और अब आप पेटीकोट के साथ भी अपने जो अपने बल आपने डाले थे जो अपने प्लेट्स डाली थी उसको भी अटैच कर दें, और अब सेट जो अपनी प्लेट्स डाली हैं उसको अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग सेट कर लें। और साड़ी के अकॉर्डिंग सेट करने के बाद इसमें कहीं जैसे कि आपके पेटीकोट पे जो आपके पल्लू पे सेफ्टी पिन की रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें कंप्लीट करें। तो ऐसा करने से आपको एक बहुत ही सुंदर जो साड़ी है वो आप लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इसे ड्रैप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी जो साड़ी है वो ऑलमोस्ट लग चुकी है, और अपना जो बॉर्डर है उसको फ्रंट में लें और यहाँ पर भी अपने सेफ्टी पिन से अटैच कर लें। और यहाँ पर देखिए हमने अटैच कर लिया है, तो बैक से भी हमने कवर कर लिया, फ्रंट से भी हमने कवर कर लिया। तो इस तरह से आप जो है प्रॉपरली ड्रैपिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू रहेगा तो आप उसे अपनी सेफ्टी पिन से कवर करेंगे अगर किसी भी तरह का इशू आपके पास रहता है। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देखिए हमने यहाँ पे ये ड्रैपिंग की है, तो यहाँ पर हमने अपनी पल्लू को भी प्रॉपरली सेट कर लिया। अगर आप खोल के पल्लू लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, अगर आप टाई करना चाहते हैं वो भी आप टाई कर सकते हैं, और अगर आप अपने पल्लू को हैंड में लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप हैवी साड़ी को ड्रैप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।